भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते हरे कृष्णा आप सभी को धनवत प्रणाम भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ स्वागत है हम सभी आज 254 सेशन में 20 भाग दो सौ चौवनवे टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर और पठन करने का प्रयास करेंगे वेद व्यास जी द्वारा रचित अठारह हजार श्लोकों का ये अद्भुत अमल पुराण श्रीमद्भागवतम भागवतम जिसकी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपात द्वारा सुंदर भावग्राही व्यवहारिक विवेचना की गई है। उस पुस्तक के माध्यम से के मार्गदर्शन में आज के सत्र में अध्याय बीस, श्लोक संख्या बीस से आरंभ करेंगे सदैव की तरह मेरा अनुरोध है जिनके पास पुस्तक है वो शिल प्रभुपात के तात्पर्य का श्लोकों के वाचन का क्रम बनाए रखने के लिए पुस्तक का प्रयोग करेंगे अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर मैं करूंगी। तो यदि हम स्मरण करना चाहें संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए संक्षिप्त पुनरावृत्ति और मंगलाचरण के पश्चात हम लोग आज का सत्र आरंभ करेंगे संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में भगवान विष्णु स्वयं महाराज पृथु के यज्ञ में प्रकट हुए हैं और उसके पश्चात श्लोक संख्या एक से लेकर सोलह तक भगवान विष्णु का पृथु को निर्देश दिया गया है श्लोक संख्या सत्रह से लेकर बाईस तक भगवान का महाराज पृथु भगवान विष्णु का महाराज पृथु को जो निर्देश दिया गया है उसमें महत्व के लिए अनेक बिंदुओं के बीच में सबसे प्रमुख बात यह है कि पृथु स्वयं भगवान के शक्ति स्वरूप विस्तार हैं और भगवान इंद्र को लेकर खड़े हैं इंद्र के इंद्र को क्षमा कर दे महाराज पृथु इस प्रकार का निर्देश दे रहे हैं कारण उसके पीछे बताते हुए उन्होंने कहा है कि वास्तव में शिल प्रोपाद के तात्पर्य के आधार पर जो विद्वान ब्राह्मणों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार व्यवहार करते हैं उनसे यदि कतिपय मात्र स्वाभाविक गलतियां भी होती हैं तो उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए भगवान द्वारा या तो स्वयं या तो ऋषियों मुनियों को नियुक्त किया गया है तो राजा के निर्दिष्ट कर्मों का निर्देश दिया है भगवान विष्णु ने महाराज प्रथु को उनके व्यवहार पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है महाराज प्रथु को इंद्रियों पर और मन पर पूर्ण संयम रखने के लिए कहा है जिस भी स्थिति में हो दिव्य स्थिति को समझो उसे और राज्य का राजा बनने का कर्तव्य निभाओ ये स्पष्ट किया है तो देखा जाए तो महाराज पृथु को इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो स्वयं जो उपस्थित भगवान विष्णु है उनके शक्ति स्वरूप विस्तार है पर ये इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके माध्यम से प्राणी मात्र को इस संबंध में किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो कोई संशय ना हो तो इस प्रकार प्रथम सोलह श्लोकों में निर्देश दिए गए सत्रह से बाईस में भगवान प्रसन्न होकर स्नेहपूर्ण संवाद कर रहे हैं हमने श्लोक संख्या उन्नीस पर विषय को समाप्त किया था तो मंगलाचरण के पश्चात श्लोक संख्या 20 से आगे श्रवण करेंगे तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरिए स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यस्थो भद्राणी नष्टे प्रायेश्व भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवतुतम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी ओंति मीराध्य ज्ञानाजनशाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत अद्वैतगदाधर श्रीवासादि कौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आप सभी को पुनः धन्यवत प्रणाम भागवतम महापुराण दो सौ सत्र में हम सभी स्कंद चार अध्याय बीस श्लोक संख्या बीस से आरंभ करेंगे प्रस्थान अपि प्रस्थान अभिमुख अपनम अनुग्रह विलबित पश्यन पद्म पला क्षक्ष न प्रतस्थे सुयस्यताम प्रस्थानाभिमुखो अपि एनम अनुग्रह विलंबितम पश्यन् पद्मपलाशाक्ष न प्रतस्थे सुयस्यताम भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे किंतु वे राजा प्रथु के व्यवहार के प्रति इतने वत्सल हो गए थे कि वे गए नहीं अपने कमल नेत्रों से महाराज प्रथु के आचरण को देखकर वे रुक गए क्योंकि वे सदा ही अपने भक्तों के हैं तो यज्ञ चल रहा था इंद्र द्वारा अश्व को चुरा लिया गया था दोनों बार ऐसा किए जाने के पश्चात जब पृथु इंद्र को दंड देने के लिए उद्यत हुए हैं तो ब्रह्मा जी द्वारा पृथु को रोकने का प्रयास हुआ है और जिस प्रकार के संवाद प्रस्तुत हुए उसमें पृथु को ये कहा गया कि इस सौ यज्ञ को कर लेने के पश्चात भी जो प्राप्त होगा वो स्वर्ग का राज्य होगा इंद्र भयभीत हो रहे हैं कि उनका राज्य चला जाएगा आपको इस यज्ञ को करने की अतिरिक्त आवश्यकता ही नहीं है इतने यज्ञ जो आप कर चुके हैं उससे जो प्रजा के पालन संरक्षण संवर्धन के लिए आवश्यक संसाधन है वो सभी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे हमने ये भी श्रवण किया कि स्वयं भगवान विष्णु उपस्थित हुए हैं और भगवान विष्णु उपस्थित होकर राज्य संचालन के लिए नीति निर्देशक तत्वों के रूप में महाराज पृथु के कार्य व्यवहार की प्रशंसा करते हुए इतने वात्सल्य से युक्त तो हो जा रहे हैं इतने वत्सल हो गए हैं कि वो गए नहीं है तो भगवान भक्तों से मिलने का बहाना ढूंढते हैं पृथु के व्यवहार में उदाहरण द्वारा भगवान राजा कैसा होना चाहिए उसको प्रस्तुत कर रहे हैं श्लोक संख्या 21 में आदि राजो रजि रचिताजल हरी विलोक तुम नाशक दश्रुलोचन न कि नेत्रों में अश्रु भर जाने नेत्रों में अश्रु भर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने आदि से राजा महाराज पृथु न तो ठीक से भगवान को देख सके और न भगवान को संबोधित करके कुछ बोल सके उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए उसी तरह खड़े रहे तो भक्त और भगवान के परस्परप्रेषण की वो जाना नहीं चाहते हैं पृथु इतने भावासिक्त तो हो चुके हैं भगवान के दर्शन करने के कारण कहने के लिए वो भगवान का शक्त्याष अवतार है और व्यवहारिक रूप से महान वीर होने के साथ साथ परम भक्त भी है तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि राज्य के संचालन के लिए उन्होंने दुष्टों पर विजय प्राप्त कर ली थी लड़ने में वो स्वर्ग के के राजा इंद्र के समान पराक्रमी थे प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने और पुण्य कार्य करते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहना उनकी मनोवृत्ति थी और सभी प्रकार की विपत्तियों में प्रजा को शरण प्रदान करने के बदले में उन्होंने एक पाई भी कर के रूप में वसूल नहीं की थी प्रपात कहते हैं वास्तव में महाराज पृथु अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है ईश्वर विहीन होना और इस प्रकार पापी बन जाना ईश्वर विहीन होने का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम उस समय भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं या भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं ईश्वर विहीन होने का अर्थ होता है जब हम अपने आप को पाप कर्मों में प्रवृत्त कर ले जाते हैं जो चार प्रकार के नियम है उनका पालन ना करना अपने आप को पाप कर में प्रवृत्त करना हुआ अभक्ष भक्षण ना करें इसका अर्थ है कि यदि हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो हम अभक्ष भक्षण कर रहे हैं व्यसन में नहीं नहीं होना इसका पालन नहीं करने का अर्थ हुआ कि हम इसको इन क्रीड़ाओं में इस प्रकार के व्यसनों में अपने आप को आबद्ध कर चुके हैं पर स्त्री पर पुरुष संसर्ग ना करना ऐसा ना करने का अर्थ हुआ कि हम ये कर रहे हैं तो भगवान की अनुपस्थिति कुंती माता ने भी स्कंद एक में स्तुति करते हुए कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति धन संपत्ति शरीर स्वास्थ्य होना ना होना ये नहीं है आपका ना होना जीवन में भगवान ना होना भगवान का अर्थ हुआ भगवान का नाम ना होना भगवान के रूप गुण लीला का जीवन में संग ना होना ये जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति कही गई है महाराज पृथु अपने शब्दों में उसी को पुनः यहाँ प्रस्तुत करें जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है ईश्वर विहीन होना हमारे जीवन में सदैव भगवान के नाम रूप गुण लीला भगवान का साथ बना रहे ये सबसे बड़ी संपत्ति है तुलसीदास की कहते हैं शारीरिक रूप से रुग्ण अवस्था में होते हुए मेरा शरीर अस्वस्थ है पर मेरा मन स्वस्थ है क्योंकि मेरी चेतना मेरी बुद्धि मेरा ध्यान आराध्य श्री राम की कथा में निमग्न है तो ये जो जीवन में दृढ़ता आती है ना हमें सिर्फ इसकी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से ऐसा कुछ मेरे साथ हो नहीं सकता जो भगवान ने स्वीकृत ना किया हो जो भगवान के द्वारा संस्तुति नहीं दी गई है ऐसी कोई ऐसी कोई घटना मेरे जीवन में नहीं हो सकती पूरे वैदिक शास्त्र का सना जो सकाम कर्मकांड है वो एक तरफ होता है और भगवान के नाम की ताकत एक तरफ होती है भगवान पर हमारा ऐसा अटूट विश्वास होना चाहिए जीवन में ये शब्द नहीं होने चाहिए ये हमारे जीवन का व्यवहार होना चाहिए ऐसा कुछ हो नहीं सकता मेरे साथ भगवान मेरे हैं ये अहंकार अच्छा है ये होना चाहिए जीवन में अहंकार बुरा है पर भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं ये अहंकार सर्वश्रेष्ठ है श्लोक संख्या 22 में अथावमृज्य अश्रुकला विलोकयन् अत्रेप्त दृक्कोचरमाः पुरुषं पदा स्पृशन्तं क्षितिमञ्च उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रम उरङ्गविद्विष भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए खड़े थे और उनके हाथ का अगला भाग सर्पों के शत्रु के उन्नत कंधे पर था महाराज प्रतु नेत्रों से अश्रु पोछते हुए राजा उन्हें देखकर अघा नहीं रहा था इस प्रकार राजा ने निम्नलिखित स्तुतियां अर्पित की हैं। तो 22 तक का ये जो वर्णन है ये जो भगवान का एक हाथ गरुण के पर है और ये जो ये जो चित्र है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी स्थिति को परिभाषित कर रहा है जो यहाँ पर शब्दों के रूप में इस श्लोक के अनुवाद में दी गई है तो इंद्र को हटाने के पश्चात देख रहे हैं प्रथु पर देख देख कर उनका चित्र अघा नहीं रहा था अर्थात वो अपने आप को पूर्णता नहीं अनुभव कर रहे हैं पूर्णता रही अनुभव कर रहे हैं और वास्तव में भगवान चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श करके खड़े हैं इसका बहुत महत्व है महाभारत में भी जब नल दमयंती की कथा आती है तो वहां वर्णन है इस बात का कि देवता भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे और उन्हें पता था दमयंती ने अपना चित्त अपना मन राजा नल को दे दिया है उनके हृदय में राजा नल है तो देवता नल का स्वरूप बनाकर स्वयंवर में आते हैं तो दमयंती जब वैसे तो यह तय था कि अन्य राजकुमार और सब आएंगे पर दमयंती जो वर्ण करेंगी अपने स्वयंवर में वो राजा नल को करेंगी पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक नहीं छे छे नल खड़े हैं राजा नल के रूप में छह विभूतियां खड़ी थी वहां पर दमयंती कुछ क्षण के लिए परेशान हुई और उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान का प्रयोग करते हुए जो मनुष्य नल थे वास्तविक नल थे उनके गले में माला पहनाई और वहां पर वर्णन आता है कि जो अन्य पांच नल जो वास्तव में देवता थे वो उनके पांव जमीन पर नहीं थे उनकी परछाई नहीं बन रही थी उनके गले में पड़ी हुई माला में जो पुष्प थे वो कुंभलाए नहीं थे सूखे मुरझाए नहीं थे उनके शरीर में कहीं श्वेत बिंदु अर्थात पसीने की एक बूंद नहीं थी जबकि मनुष्य रूप में जो नल थे उनके पाँव जमीन पे थे उनका परछाई बन रहा है उनके गले में जो माला है वो कुमला गई है तो जो जो देवता पांच नल में उन्हें चित्र लक्षण दिखे वो यहाँ अनुपस्थित थे तो मनुष्य और देवता का अंतर दमयंती को स्पष्ट हुआ और उन्होंने सही नल का वर्ण किया यहाँ जब पंक्ति प्रयोग हुई है उल्लेखनीय बात के रूप में शिल प्रभुपात कहते हैं कि जब लिखा है कि भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए खड़े थे तो इसका अर्थ ये है कि वास्तव में भगवान इतने आ, भाव विभोर हैं हम कह सकते हैं महाराज पृथु के आचरण से इतने संतुष्ट हैं कि वैकुंठवासी नारायण की भांति वो व्यवहार करने लगे किंतु अपने घात के अगले भाग को उन्होंने गरुण के कंधे पर रखा जिससे वे गिरना पड़े तो कहने करते है कि वास्तव में जो भारहीनता की बात कही जाती है अंतरिक्ष से इधर आने में क्योंकि अंतरिक्ष में आ, हर वस्तु तैर रही है ऐसे भी हमारा हमको जो जो वर्तमान विज्ञान से पता है उसके अनुसार भी ये सत्य है तो भगवान वैकुंठवासी की तरह व्यवहार करने लगे जब वो प्रकट हुए थे तो वो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे पर जब आ, भाव विवल हो गए तो तो जब वो खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं तो वो गिर ना पड़े ये ये भाव विवलता का भाव है यहाँ पर आचार्यों का क्योंकि पृथ्वी पर खड़े रहने का वैकुंठ रूप में शंख चक्र गदा पद्म के साथ भगवान विष्णु को अभ्यास नहीं है तो ये 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 लीला है भगवान की। ये भगवान ये सब भगवान की सब के वक्त वत्सलता का परिणाम है और ये देखकर महाराज प्रथु जो की इस, इस, इस शारीरिक भाव भंगिमा को से समझ सकते हैं कि भगवान वास्तव में हमने देखा है हमने ऐसे अनेकों प्रकार के जो हमारे टीवी सीरियल एपिसोड या जो अन्य शास्त्रों में कथाओं का वर्णन है उसमें भी हमने देखा है कि हिरण्य को यदि वरदान दिया जा रहा है तो ब्रह्मा जी वायुमंडल में ही है कहीं जमीन पर नहीं आए हैं ऐसे ही गोवर्धन लीला में गोवर्धन लीला में यदि आप जो कृष्णा छोटे बच्चों की कृष्णा है उसमें भी पुस्तक में तो वर्णन है इस बात का जब हंस पर से उतरते हैं ब्रह्म लीला में ब्रह्मा जी या इंद्र अपने ऐरावत से तो जमीन पर आते ही वो गिर पड़ते हैं तो ये जो भाव है अपने आप को इस स्तर पर लाने का तो महाराज पृथ्वी ये देख सकते हैं ये समझ सकते हैं वो कि भगवान इतने विवल हैं उपस्थित हैं और साथ ही साथ इतना स्नेह प्रदर्शित कर रहे हैं तो भाव विभोर हो गए पृथु तो श्लोक संख्या 23 में आरंभ होगा जहां पे हम विषय सूची भी देख सकते हैं श्लोक संख्या 23 से इकतीस तक पृथु महाराज की प्रार्थनाएं हैं तो हम लोग उनको भी श्रवण करते हैं पृथुवाच वरान वो वरदेश्वराद्बुध कथम वृणीते गुणविक्रियात्म ये नारण अभी सी देना तानीश हे प्रभु आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त हैं ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाली जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं हे भगवान आप निश्चित ही अपने साथ तारतम्य प्रदान कर सकते हैं किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता तो मनुष्य अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वर की याचना करता है और जो कर्मी है वो सोचते हैं हमें अपने कर्म फल के बदले में उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाए जहाँ जीवन का समय अधिक है जहाँ सुविधाएं अधिक है लेकिन जो ज्ञानी और योगी हैं वो भगवान के तादातम्य में ईश्वर रहते हैं भगवान में ब्रह्म ज्योति में मिलन हो जाए तो वो कैवल्य प्राप्त करने की बात करते हैं इसलिए भगवान का एक नाम कैवल्य पति भी कहा गया है पर जो भक्त हैं वो भगवान से भिन्न प्रकार का वर प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें न स्वर्ग की चिंता है न उच्च लोगों की चिंता है न उन्हें भगवान में मिलना है भक्तों की सर्वश्रेष्ठ इच्छा क्या होती है कि ना कर्मियों की तरह अभिपसित वर्ग की कामना है ना ज्ञानियों या योगियों की तरह भक्त की इच्छा के रूप को प्रस्तुत करते हुए महाराज पृथु यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए और क्या चाहिए उसको भी आगे प्रस्तुत किया जाएगा पर क्या नहीं चाहिए उसको यहां अभिव्यक्त किया गया श्लोक संख्या चौबीस में न काम ये नाथ तदप्या हम त्रुष्म चरणामुत विध स्व कर्ण अयुतम ऐश मे वर हे भगवान मैं आपसे तादतम्य के वर की इच्छा नहीं करता क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है मैं तो दस लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूं जिससे आपके शुद्ध भक्तों के से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन तो काम थोड़ा ब्रह्म ज्योति में समाहित हो जाना और महाराज पृथु कहते हैं भक्त कभी नहीं चाहता ब्रह्म ज्योति में समाहित होना क्या हुआ आपके सुंदर चरण कमलों की आपकी जो सगुण साकार भक्ति है मुझे तो वो चाहिए इतने कान मिल जाए कि मैं आपकी कथा का श्रवण कर सकूं इतने आंखें मिल जाए कि मैं दर्शन कर सकूं ये एक भक्त का भाव होता है यहाँ पर महाराज पृथु कानों का वर्णन कर रहे हैं तो ये आलंकर ढंग की जो प्रस्तुति है ये वास्तव में भाव विनिमय की है तो भक्त तो कहता है कि हमारे कान निरंतर भगवान की महिमा को सुनने में व्यस्त रहे ताकि ये जो मायावादी दर्शन सिद्धांत तो व्यवस्था आसपास है जिसकी वजह से आध्यात्मिक सब कुछ होगा पर आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी मुझे उस चक्र में नहीं पड़ना है मुझे उस चक्र में नहीं पड़ना है तात्पर्य में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य मायावादी चिंतक से भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो भले ही वह वैदिक साहित्य क्यों ना हो उसका विनाश हो जाता है क्योंकि जो तर्क देगा ना मायावादी व्यक्ति वो वास्तव में भगवान के समकक्ष अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए देने लग जाएगा अब भौतिक जगत में भी देखिए लोग भगवान से भगवान का नाम गोविंद है गोविंद का अर्थ हुआ कि भगवान की इंद्रियों को सुख देना व्यक्ति अपनी इंद्र, इंद्रियों को सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से वर मांगने चला जाता है तो प्रथु महाराज कहते हैं मेरी इनमें से ऐसी कोई भी अभिलाषा नहीं है ना उच्च लोक की कामना है ना आपने तदतम्य की श्लोक संख्या पच्चीस में स उत्तम श्लोक महत मुखच्युतो भवत् पदांभोजसुधा कडा닐म स्मृतिं पुनर्वे स्मृते तत्ववर्तमानं हुयोगिनाम नो वितरत यलं वरे हे भगवान महान पुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के, के समान है जब महापुरुषों के मुख से निकली दिव्यवाणी आपके चरण कमलों की केसर धूली की सुगंध का वहन करती है तो विस्तृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं अतः हे भगवान मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग की कामना नहीं करता अर्थात केवल और केवल सदा सर्वदा मैं आपके मुखार विंद के आ, आपके चरणार विंद के बारे में भक्तों के मुखारविंद से श्रवण कर सकूं मुझे जीवन की ऐसी योग्यता प्रदान करें तो भक्त भगवान के अतिरिक्त किसी और श्रवण की कामना भी नहीं करता है इसको यहाँ पर इस प्रकार चरितार्थ करते हुए महाराज पृथु उल्लेखित कर रहे हैं कि एक भक्त के रूप में हमारी जीवन की कामना कैसी होनी चाहिए तो सुंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा बड़ा तात्पर्य शिल प्राद ने व्यक्त किया है श्लोक संख्या छब्बीस में यश यशिव सुश्रव आर्य संगमे यदा यदया चोप ते सकृत कथम गुण विरमी द्विनाम पशु क्षया अत्यंत कीर्तिमय भगवान यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है तो जब तक कि वह पशु तुल्य ना हो वह भक्तों की संगति नहीं छोड़ता क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा आपकी महिमा के की कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा तक स्वीकार की गई थी जो आपके अनंत कार्यकलापो तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती थी तो कहते हैं कि यदि कोई पशु तुल्य नहीं है पशु तुल्य नहीं है का अर्थ हुआ कि केवल पशु तुल्य व्यक्ति ही आपकी स्तुति, आपकी कथा आपकी कीर्ति में रुचि नहीं दिखाएंगे तो अर्थात जो भगवान की कथा भगवान की कीर्ति इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं उनको पशु तुल्य कहा गया है और ये हम सबको स्पष्ट है कि उन्हें पशु तुल्य क्यों कहा गया है क्योंकि खाना सोना इंद्रियों को तुष्ट पुष्ट करने का प्रयास करना और भय से अपनी रक्षा करना ये तो जानवर भी कर रहे हैं पशु भी कर रहे हैं हम क्यों ना करें ऐसा ऐसा हम इसलिए ना करें क्योंकि ये जीवन इससे उच्चतर लक्ष्यों के लिए मिला है केवल खाने सोने इंद्रियों के पोषण करने और भय से रक्षा करने के लिए नहीं मिला है तो जो हम हितोपदेश में पढ़ते हैं उसी को महाराज पृथु यहाँ पर अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब तक कोई पशु तुल्य नहीं होगा तब तक वो भक्तों की संगति नहीं छोड़ेगा अर्थात जो पशु तुल्य होगा उसे ही भक्तों का संग अच्छा नहीं लगेगा और ये पूरा भौतिक जगत जिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में लगा हुआ है उन माता लक्ष्मी की प्रसन्नता किसमें है कीर्तन और श्रवण में नवदा भक्ति की विधि में माता लक्ष्मी को उदाहरण बताया गया पाद सेवन में चरण की सेवा में लगी हुई है तो आपके अनंत कार्यकलापों तथा तो दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक तो वो वो लक्ष्मी होती हैं जिनको ये पूरा जगत चाह रहा होता है और वो लक्ष्मी क्या चाहती हैं आपके कार्यकलापों की दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक तत्पश्चात श्लोक संख्या 27 में अथा भजे ताखिल गुणालयं पद्मकरे पद्म वा अप्यावयोरे वालसा अप्यास्पृधो कली न सरण अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे पहले श्रवण करना आवश्यक है महाराज पृथु पहले बहुत कान चाहते हैं ताकि वो सब दिशाओं से भगवान की कीर्ति को यश को सुन सके जब जीवन में भगवान के लिए हम श्रवण करते हैं भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तब उनके लिए सेवा करने का भाव उत्पन्न हो रहा है तो ये इसीलिए श्रवणम सबसे महत्व तो का है सबसे महत्व तो का है श्रवण करना समय निकालकर सत्रों को सुनना समय निकालकर आचार्यों की द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही स्रोत से श्रवण करना अति आवश्यक है और श्रवण के पश्चात क्या करेंगे आपकी चरण सेवा में संलग्न रहना चाहता हूं और किंचित जो माधुर्य भाव है माता लक्ष्मी का उसको प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि किंचित ऐसा हो सकता है कि यदि मैं भी आपके चरण सेवा की आकांक्षा ले लूं तो मेरे और माता लक्ष्मी के बीच में संघर्ष हो सकता है क्योंकि दोनों का भाव एक ही है पर वास्तव में आचार्य कहते हैं वैकुंठ जगत में ऐसा होता नहीं है श्रीमती राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं यदि कोई भगवान की सेवा करना चाहता है तो वहां ईर्ष्या का भाव नहीं होता कोई विद्वेश नहीं होता कि ये व्यक्ति सेवा में मुझसे आगे बढ़ गया ये जीव मुझसे सेवा अधिक करने लगा वहां और उसको फैसिलिटेट किया जाता है और उसको संरक्षण संवर्धन करने में सहयोग किया जाता है तो ये ये तो तनिक विषय को अः रसमय बनाने के लिए पृथु ने कहा कि मेरे और लक्ष्मी के बीच में संवाद संघर्ष हो सकता है श्लोक संख्या 28 में जगजन जगदीश वैशस सत्कर्मणि करोषि फलग्व्युरो दीन वत्सला स्वेधिष्ण अभिता से हे जगदीश्वर लक्ष्मी जी विश्व की माता है मैं तो सोचता हूँ कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करना तथा उसी पद पर जिसके प्रति वे इतनी आसक्त हैं कार्य करने से वे मुझसे क्रुद्ध हो सकती हैं। फिर भी मुझे आशा है आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुक्ष सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाएं तो आपको कोई हानि नहीं होगी क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है तो वो कह रहे हैं यदि मेरे और माता लक्ष्मी के बीच में संघर्ष हो जाए तो मुझे विश्वास है कि आप मेरा पक्ष लेंगे क्योंकि माता लक्ष्मी तो वैभवशाली है मैं दीन हीन हूं और आप तो दीनानाथ हैं भक्तों की तुक्ष सेवाओं को भी बहुत करके मानेंगे तो मुझे पता है कि एक बार को लक्ष्मी यदि रुष्ट भी हो जाएंगी तो आप को कोई हानि नहीं है पर यदि आप मुझसे रुष्ट हो जाएंगे तो मेरा तो कोई तारणहार ही नहीं है और वास्तव में शिल प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट रूप से कहते हैं जगत जननी लक्ष्मी जी पृथु महाराज जैसे भक्त पर क्रोधित क्यों होंगे संभव नहीं था फिर भी महाराज पृथु का भाव है कि यदि कभी अवसर आए तो मैं अपने बचाव के लिए अनुरोध करूंगा कि आप मेरा पक्ष लें ऐसी याचना कर रहे हैं महाराज पृथु तो उनका कहना है कि ये जो सामान्य वैदिक अनुष्ठान है कर्मकांड है यज्ञ करने की बात है वो तो अपनी जगह ठीक है लेकिन आप भगवान हैं और इतने दयालु और उदार हैं कि आप जीवन का परम पद अर्थात भक्ति मुझे प्रदान करने के लिए उद्यत हैं तो ये जो भाव है ये महाराज पृथु के द्वारा भक्त की भगवान के चरणारविंद पर शरणागति की अवस्था का मनोभाव है कितना शरणागत होते समय हमारा भाव गंभीर और केंद्रित होना चाहिए श्लोक संख्या उन्तीस में भज्वा मत साधवस्तमा गुणवे भ्रमोदय भवत्दानुस्मरणा सताम निमित्तमन्याद् भगवन् विद्महे बड़े-बड़े साधु पुरुष जो सदा ही मुक्त रहते हैं आपकी भक्ति करते हैं क्योंकि भक्ति के द्वारा ही इस संसार के मोह से छुटकारा पाया जा सकता है हे भगवान मुक्त जीव द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान धरते हैं तो जो बड़े-बड़े मुक्त जीव हैं जो बड़े बड़े मुक्त जीव हैं उनके लिए यहां पर महाराज प्रथु कहते हैं कि वो आपकी भक्ति करते हैं मुक्त जीव भी भगवान की सतत भक्ति में लगे हैं क्योंकि मुक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है मुक्ति का अर्थ मुक्ति से पूर्ण नहीं है कहने का अर्थ ये मुक्ति से ऊपर भक्ति कही गई है भगवत गीता में स्पष्ट रूप से और उसका कारण ये है कि जो मुक्ति के पांच प्रकार हुए हैं उसमें कोई भी सदा भगवान के साकार स्वरूप के साथ प्रेम युक्त भाव चाहे वो आ, जो अनेक जो भिन्न-भिन्न प्रकार कहे गए चाहे वात्सल्य हो चाहे माधुर्य हो चाहे मित्र हो चाहे ज्ञानी के रूप में ज्ञान ज्ञानवान व्यक्ति अर्थात भगवान के चरणों में चाहे दास के भाव में उस सेवा करते हुए वो नहीं अभिव्यक्त होता मुक्ति के रूप में तो मुक्ति का अगला स्तर भक्ति है पूर्णता है और जब मुक्त प्राणी उदाहरण भी है नेमिसारण ने के हमारे ऋषियों का अन्य जन्म जन्मांतरो में तपस्यारत स्वयं सनत कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का वर्णन आता है कि वो ज्ञान योग की बात करते थे पर जब वो वैकुंठ में भगवान के दर्शनों को प्राप्त करते हैं तब उनकी जो स्थिर मति है वो अत्यंत भावमय हो गई थी तो भक्ति भक्ति श्रेष्ठ है पूर्णता है भगवान को प्राप्त करने की और महाराज पृथ्वी निश्चय पूर्वक कह रहे हैं कि केवल भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगाएंगे ताकि मुक्ति पर ना रुकूं अपितु भक्ति तक पहुंच सकूं। तत्पश्चात श्लोक संख्या तीस में कहा गया है मन गिरम ते जगताम विमोहिनी वरम वृणीश्वे भजंत मात्य वाचानुतंत्या यदिते ते जनोषित कथम पुनः कर्म करोति मोहित क्षमा कीजिए हे भगवान आपने अपने विशुद्ध भक्त से जो कुछ कहा है वह निश्चय ही अत्यंत मोह में डालने वाला है आपने वेदों में जो लालच दिए वे शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है सामान्य लोग वेदों की अमृतवाड़ी से बनकर कर्म फल से मोहित होकर पुनः पुनः सकाम कर्मों में लगे रहते हैं तो कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करें और उस कर्म उस कुछ करने के विधान में कहा गया है कि वेदों के ये सकाम कर्म ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा ताकि जैसे बच्चे से हमें पहले कुछ शुरू में काम करवाना तो उसे कुछ प्रकार का प्रलोभन देना होता है पढ़ाई करवाना है तो थोड़ी देर खेलने जा सकते हो थोड़ी देर टीवी देख सकते हो थोड़ी देर अपने मन के काम कर सकते हो पहले पढ़ाई करो तो पहले ये नियम का पालन करो फिर भगवान खुश होंगे या देवता खुश होंगे जैसा जिस प्रकार की विधि यहाँ बताई गई है तो सामान्य लोगों को वेदों की अमृत वाणी से बनकर मोहित होने पर पुनः पुनः सकाम कर्म में लिप्त होकर पुण्य प्राप्त करने की बात कही गई है पर पृथु कहते हैं कि वेदों का ये जो लालच है ना ये भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है भक्तों के लिए किसी भी प्रकार से संतुष्ट करने वाला नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि भक्त वास्तव में इसकी कामना ही नहीं करते उदाहरण इसी श्रीमद भागवत में प्रहलाद महाराज आएंगे तो ये जो प्रार्थनाएं हैं जितनी भी प्रार्थनाएं हम सुनना चाहे हमेशा कहती हूँ मैं चाहे कुंती की हो माता कुंती कह रही हूँ प्रार्थना या ब्रह्मा जी कह रहे हो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हो या स्वयं हमारे सूत गोस्वामी कह रहे हो या फिर ब्रह्मा जी के क्रम में नारद मुनि आकर कह रहे हैं या भी पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कोई भी ऋषियों की देवताओं की जिनकी भी स्तुतियां भगवान की वो वास्तव में रेडीमेड अवेलेबल स्टॉक जिसे कहा जाता है, कि हमें शब्द हमें श्लोक बनाने की आवश्यकता नहीं है जब जैसे भाव को महसूस कर रहे हो उन महापुरुष की स्तुति भगवान के सामने प्रस्तुत कर दे पूरे श्रीमद भागवतम का सार है ये तो स्वयं महाराज पृथ्वी के शब्दों में एक प्रकार से स्वयं वो भाव समाहित है जो एक सामान्य जीव के रूप में हम भगवान को अर्पित करना चाहिए लेकिन इसलिए इन को इन श्लोकों को हम यू ही वाचन करते हुए अपना भाव भगवान को निवेदित करने का प्रयास करते रहे इसलिए सदैव अनुरोध रहता है कि इन श्लोकों का वाचन अवश्य करें श्लोक संख्या इकतीस में त्वन मायध जन ईशितो बुध यथा चरित्वा लहितं पिता स्वयं तथा त्वमेव arhsinah तुम हे भगवन आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत के सभी प्राणी अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति भूल गए हैं और वे अज्ञानवश समाज मित्रता तथा प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते हैं अतः आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने के लिए न कहें बल्कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा किए बिना उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है उसी प्रकार से आप मुझे आपकी भक्ति चाहिए अटूट भक्ति चाहिए अटूट भक्ति चाहिए और जब हम समर्पित हैं अपने इस भाव के साथ तो भगवान भी उसी प्रकार की व्यवस्था करते हैं इसमें कोई संशय नहीं है तो ऋतु तो महाराज यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं श्लोक संख्या में कि सभी सभी जगत जगत के लोग, जगत के सभी वर्गों के लोग, लोग वर्गों अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल गए हैं और जैसे प्लेटफॉर्म पर रहते हुए हमारी इतनी घनिष्ठता हो जाए उस स्थान से कि हम अपनी आने वाली ट्रेन को भी कह दें कि हमें नहीं पकड़नी है बिल्कुल वही बात हो जाती है इस भौतिक जगत में आने की हम एक टूरिस्ट की तरह आते हैं पर हम यहाँ के अज्ञानतावश मित्रता में समाज में प्रेम में भौतिक सुख की कामना में आबद्ध कर लेते हैं स्वयं को तो हमें ऐसा करने से बचने का प्रयास करना है हमें ऐसा बचने के से बहुत आवश्यक है ये अन्यथा भक्ति कहीं कोने में पड़ी रह जाती है जीवन पूरी तरीके से भौतिक आकर्षणों के चंगुल में आ जाता है यहां जितने भी तात्पर्य में श्लोक शिल प्रोपात लिखते हैं सभी महत्व वाले श्लोक हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार श्रवण करने का अवश्य प्रयास करें श्लोक संख्या बत्तीस में मैथ्रे इत्यादि राजे नुत स विश्व दृ तमा जन्मयी भक्ति अस्तुते ऋषि ने आगे कहा कि पृथु महाराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया हे राजन तुम्हारी मुझमें निरंतर भक्ति बनी रहे ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिसने तुम जिसे तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्त किया है दुर्लभ्य माला को माया को पार किया जा सकता है तो ये कहाँ का वर्णन है ये आदिम श्लोकों का वर्गीकरण देखिए तो श्लोक संख्या 32 से लेकर 38 तक भगवान का वर देकर प्रस्थान है तो भगवान अब वर दे रहे हैं यहां पर महाराज पृथु कोष श्लोक संख्या 32 महाराज पृथु का महाराज पृथु के शब्दों की उनके स्तुति की विनती के प्रत्युतर में भगवान द्वारा वरदान दिया जा रहा है भगवान क्या कह रहे हैं कि वैसे तो माया दुर्लंघ्य है कोई भी कर्म योग और ज्ञान के द्वारा माया से पार नहीं पा सकता भगवत गीता में स्पष्ट इस रूप से कहा गया है अध्याय 7 श्लोक संख्या चौदह का उदाहरण देते हुए श्लोक प्रोपात कहते हैं भगवान ने कहा है मा प्रपत्यंते माया में ताम तरंती थे। यदि कोई भवसागर से पार होना चाहता है तो भक्ति के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है कोई विकल्प नहीं है तो चाहे स्वर्ग में या नरक में हो सुख में हो या दुख में हो भौतिक पद की अलग से हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए यदि हम भगवान की लीलाओं में सहायक होने के लिए, निमित्त रूप में प्रयोग किए जाने के लिए भगवान द्वारा चुने जाए तो ये परम सौभाग्य है पर हमें स्वयं अतिरिक्त नहीं करनी चाहिए सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहिए क्योंकि वास्तव में यही वास्तविक प्रवृत्ति है हमारी जो हमें इस जगत के पार भगवान के पास ले जाएगी तो प्रकृति के किसी भी पन्ने में हमें पढ़ने का प्रयास नहीं करना है तो भगवान यहाँ पर अब बर देते जा रहे हैं महाराज पृथु को तत्व करो सर्वोति शोभनम हे प्रजा के पालक राजा अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना और किसी भी प्रकार दिग्भ्रमित न होना जो भी श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार मेरी आज्ञा तो की, की जा रही है मेरे भक्त बनने का प्रयास करो और भगवान के आदेश का पालन करो हम कह सकते हैं कि इंद्र यहाँ पर वंचक बन रहे थे छद्मवेशी बन रहे थे सन्यासी बन रहे थे और कृत्य इतने दुर्दांत कर रहे थे कि बलि अश्व को चुरा कर ले जाने पर भगवान स्मरण करा रहे हैं पृथु को कि इंद्र तो इंद्र हैं जीव हैं आप तो शक्ति स्वरूप विस्तार हैं और आपके द्वारा यज्ञों क्यों एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात केवल उसमें ही पूर्णकालिक समय लगाना बहुत अधिक बुद्धिमानी नहीं है तो आ सभी प्रकार के मंगलों के लिए भगवान का नाम जप करना बहुत आवश्यक है और धर्म कहता है कि यदि सब प्रकार की भौतिक व्यस्तता को त्याग कर धर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज तो सभी प्रकार की भौतिक व्यस्तता को त्याग कर मेरी शरणागति में आओ तो ये स्पष्टता है यहाँ पर इसमें किसी प्रकार का हमें भ्रम नहीं है श्लोक संख्या चौतीस में मैत्रे उवाच इति राजर्षे राज्यु मैत्री ने विदुर से कहा कि भगवान ने महाराज पृथु द्वारा की गई सार गर्भित प्रार्थना की भूरी भूरी प्रशंसा की इस प्रकार राजा द्वारा समुचित रूप से पूजित होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रस्थान का निश्चय किया है तो सार्वित प्रार्थना है पृथु की हमें सिर्फ ये नौ श्लोक यदि हम देखें तो श्लोक संख्या तेईस से लेकर इकतीस तक नौ श्लोक होते हैं और इन नौ श्लोकों को हमें श्रवण करने का आ, महत्व श्रवण करने से यदि महत्व पता चल जाए तो संभव हो तो स्मरण करें यदि स्मरण करना संभव नहीं भी है तो भी हमें इसको देख कर कहीं लिख कर रख लेना चाहिए और वाचन करने का अभ्यास करना चाहिए। उसके पश्चात यहाँ पर मैत्रेय ने कहा है कि भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और प्रस्थान करने का प्रस्थान करने के लिए भगवान अग्रसरित हो गए तो प्रस्थान शब्द यहाँ पर शिल लिखते हैं प्रतिनंद जो सारभित प्रार्थना करके भगवान को प्रसन्न किया है पृथु ने अब उसके पश्चात प्रस्थान करते हुए भगवान वास्तव में इस बात की स्वीकारोकती है कि भगवान केवल लेने में इच्छुक नहीं है भगवान बहुत अधिक देने में इच्छुक होते हैं तो जब देने के लिए कुछ नहीं था भावों से अपलावित थे पर यहाँ पर जब पृथ्वी द्वारा स्तुति में याचना की गई है तो भगवान उसको तुरंत स्वीकार करते हुए कहते हैं उनको वर प्रदान करते हैं और भगवान वहां से प्रस्थान करते हैं श्लोक संख्या पैंतीस और छत्तीस सातवें है यहाँ पर देवर्षि देवर्षि गंधर्व चारण पन्नगा किन्नराप्सर सोमर्त्या भूतान्य ने यज्ञेश्वर धिया राग्विताजलि भक्ति सर्वे तता राजा पृथु ने देवताओं ऋषियों पितृलोक गंधर्वलोक सिद्ध लोक चारण लोक पन्नग लोक किन्नर लोक लोक तथा पृथ्वीलोक और पक्षियों के लोक के वासियों की पूजा की है उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अन्य अनेक जीवों की पूजा की है उन्होंने इन सब की तथा भगवान के पार्षदों की मधुर वचन तथा यथा संभव धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजा की है अनुसरण करते हुए वे, वे सभी अपने अपने लोगों को चले गए तो भगवान के गमन के पश्चात एक एक लोक के वासियों की महाराज प्रथु द्वारा यज्ञ में उपस्थित जो हुए हैं उनकी स्तुति की गई अभ्यर्थना की गई है और भगवान के चरण कमलों का पालन करते हुए जैसे भगवान ने गमन किया स्तुति समाप्त होने होने के क्रम में, जो जो जिस जिस लोक से वहां एकत्र हुए थे उन सब ने गमन किया है और शिल प्रभुपात पुनः यहाँ पर कहते हैं कि ये जो गमन का भाव है यदि ये, ये अस्पष्ट है तो यहां पर हमें इस उदाहरण से इसको देखना चाहिए तो अंतिम अंतिम कुछ श्लोक है दो श्लोकों को यहाँ पर हम श्रवण करेंगे श्लोक संख्या में भगवान सोपाध्या चाच्युत हरन्व मनो मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत राजा तथा वहां पर उपस्थित पुरोहितों के मनो को मोहित करने के बाद अच्युत भगवान पर व्योम में अपने धाम को वापस चले गए भगवान सर्व आत्मय है श्री प्रभुपाद लिखते हैं तो वे शरीर बदले बिना पर व्योम से नीचे आ सकते हैं इसलिए अच्युत अथवा अचूक कहलाते हैं हम जब भिन्न योनि से भिन्न लोक से मनुष्य रूप में आते हैं या अन्य लोक में अन्य जीव के समूह में आते हैं तो आचार्य कहते हैं हम अच्युत नहीं कहे जाते हैं हम भगवान की सेवा कार्य से पतित होकर उस पद से पतित होकर नीचे आए हैं जीव रूप में बद्ध भौतिक जगत की अवस्थाओं का दुख भोगते हैं और अधिक चालाकी दिखाते हुए आनंद प्राप्त करने का अवसर ढूंढते हैं तो भौतिक जगत में आया हुआ जो जीव है जो हम सभी हैं वो पतित जीवात्मा च्युत है और भगवान अच्युत कहे गए यदि वो अपने पर पर जगत से आते भी हैं तो वो अच्युत नहीं वो च्युत नहीं होते उनका शत नहीं होता हमारा होता है तो मनुष्य और जीव और भगवान में क्या अंतर है भगवत गीता में जब हम श्रवण करते हैं तो वहां पर यही बताया गया है भगवान अच्युत है आनंद स्वरूप है शाश्वत है जीव को जो आंशिक शाश्वतता कही गई है जो एक प्रकार से शरीर नश्वर है ये स्पष्ट किया गया है वो सारे इसके उपभाग हो जाते हैं भगवान के द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त ऐश्वर्यों के औश्य प्रभुपात कहते हैं महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं शिरो विष्णु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं और कारणो विष्णु के द्वितीय अवतार कहे गए तो जो भौतिक सृष्टि के मूल है कर्णो विष्णु जो गर्भोदय गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं उनके द्वितीय अवतार शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में यहाँ महाराज ऋतु के समक्ष प्रकट हुए हैं तो भगवान एक है विस्तार स्वरूप में प्रकृति के भौतिक गुणों को अपने वश में बनाए रखने के लिए शिरोदक्षाय विष्णु उन तीन पुरुषों में से एक बताए गए हैं तो स्थान स्थान पर हमें यह परिचय प्राप्त होता रहता है अंतिम श्लोक है इस सत्र का इस अध्याय कामस्कृत संदर्शितात्मने अव्यक्ताय चेवा देवाय देवा स्वपुरम ययो तत्पश्चात राजा प्रथु ने समस्त देवों के परम स्वामी भगवान को सादर नमस्कार किया यद्यपि वे भौतिक दृष्टि से देखे जाने की वस्तु नहीं है फिर भी भगवान ने महाराज पृथु के नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया भगवान को नमस्कार करके राजा अपने घर चले आए तो समाप्त है अंत 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 की पंक्तियां हैं और शिला प्रभुपाद ने यहाँ पर कहा है कि सभी देवों के परम स्वामी भगवान है तो इस बात की भी हमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए प्रत्येक देव एक, एक विशेष प्रकार का वरदान दे सकते हैं पर वो वरदान हमें इस भौतिक जगत में ही रखेगा तो यदि हमें देवताओं से कुछ मांगना है तो वो क्या है हमें भगवान की अविचल भक्ति हो हमारे परंपरा में निर्वहन किए वाले कोई विग्रह हैं सबसे प्रार्थना यही करनी यदि वो भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व नहीं है प्रस्तुत रूप में प्रार्थना के लिए तो भी हमारे लिए भौतिक जगत की उपलब्धि से भक्त बनने के प्रयास में उससे बड़ी उपलब्धि है कि हम अपने आप को जिन भी सम्मानित व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किए जाए वहां हमारी याचना भगवान की भक्ति प्राप्त करने की होनी चाहिए तो महाराज पृथु के समक्ष भगवान ने स्वयं को प्रस्तुत किया है और द्वारा भगवान को करके वापस अपने घर की ओर गमन होता है तो अपनी शुद्ध भक्ति से आत्मदृष्टि विकसित कर चुके हैं महाराज पृथु और भगवान की संदर्शितात्मा भगवान की दिव्य लीलाओं को जो अगोचर है सामान्य जनमानस को उसको भी वो भगवान की अनुकंपा से देख सकते हैं तो ये जो दिव्यता है भगवान के चरण में रहने की उसकी वास्तव में यहाँ पर प्रस्तुति की गई है तो इसके साथ ही ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है श्लोक संख्या अड़तीस पे ईश्वर की असीम अनुकंपा से अगले सत्र में हम लोग स्कंद चार अध्याय इक्कीस आरंभ करेंगे और अध्याय 21 जिसका नाम है पृथु द्वारा उपदेश तो अभी महाराज पृथु द्वारा भी उपदेश दिया जाएगा तो इस अध्याय को हम लोग अगले सत्र में आरंभ करेंगे आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं श्रील प्रोपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भागवतम महापुराण की जय हरे कृष्णा